हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी और मैं निकल रहा हूँ घूमने के लिए। और मम्मी पापा और बहन सारे घर में है, क्योंकि आज संडे का दिन है। सबके सब घर में है क्योंकि पानी भी गिर रही है, मानसून आ चुका है। गाइस, काफ़ी ज़बरदस्त वेदर हो रहा है। तो मैं निकल रहा हूँ पालिक के आसपास में जितना सारा नदी नाला झरना है सबको एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप बने रहें वीडियो में, आपको आज का ब्लॉग काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा। तो निकल पड़ा हूँ मैं पेट्रोल स्टेशन, और पेट्रोल जल्दी जल्दी मैं भरवा लेता हूँ बाइक में अपना। पेट्रोल भरवाने के बाद फिर निकलूँगा मैं आपको बेहतरीन बेहतरीन व्यू दिखाने के। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ सैला। सैला के रोड में एक पुलिया पड़ता है जो कि ज़बरदस्त व्यू होता है, आपको मैं दिखाता हूँ। आप देखो, चारों तरफ पानी भरा हुआ है खेतों पर, और एक पुलिया है यहीं पर, यहाँ से पानी बहता है। तो यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ का व्यू आप म्यूजिक से इंजॉय करें। तो गाइस, यहाँ का व्यू आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं जिस रोड से गुजर रहा हूँ, आप पीछे देखिए, यहाँ से पूरा पानी लबालब भरा रहता है जब बहुत तेज बारिश होती है। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ सैला के आगे, जो कि एक और नदी है जिसका नाम है दावन नदी। तो म्यूजिक की सहायता से आप यहाँ का भी व्यू इंजॉय करें। तो गाइस, ये व्यू काफ़ी आप लोग को तगड़ा लगा होगा, और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कराने के लिए मैं नीचे आ चुका हूँ, और आपको तगड़ा व्यू मैं नीचे से भी दिखाता हूँ। तो आप देखो, यहाँ बारिश के मौसम में ज़बरदस्त पानी बहता है, और इधर देखो गांव वाले लोग जो कि बह कर आ रही है लकड़ी जंगलों से, उसे इकट्ठा कर रहे हैं खींच खींच कर, आप देख सकते हैं। और मैं भी यहाँ पर काफ़ी समय से बैठे बैठे इंजॉय कर लिया, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, आपने देखा ही। तो अब निकलूँगा मैं दूसरे जगह, और वहाँ भी क्या क्या एक्सप्लोर करता हूँ आप आगे वीडियो में देखिए। तो मैं निकल पड़ा हूँ अभी सैले के रोड से, सीधा मैं निकलूँगा पुलाली कला। तो पुलाली कला में जाते जाते बीच में एक छोटा सा नदी नाला जैसा पड़ता है, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ पुलाली कला के आश्रित ग्राम डुगुपारा में, और यहाँ पर एक सुंदर सा नदी है, और चारों तरफ खेत है। और ये एक बच्चा दौड़ कर आ गया कि भैया मैं आपको कुछ करतब दिखाता हूँ, आप देखो आपको काफ़ी प्यारा लगेगा। तो बच्चे ने छोटा मोटा करतब दिखाया मुझे, और मस्ती इंजॉय किए, और करते साथ एक अम्मा यहाँ से गुजर रही थी जो कि मुझे बताई कि खेतों में बहुत ही अच्छी अच्छी मछली पकड़ रहे हैं गाँव के लोग। तो मैं उनके पीछे ही हो गया, और उनके साथ साथ मैं भी चला गया खेतों की तरफ, क्योंकि मुझे जो फिशिंग करते हैं मछली पकड़ते हैं ना, वो देखना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एक बच्चा दौड़ दौड़ते मेरे सामने से गुजरा, अभी काफ़ी एक्साइटमेंट लग रहा है, मुझे भी देखना है कि कैसे खेतों में मछली पकड़ा जाता है। तो आप लोग के लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा ये, आप लोग भी देखें ज़बरदस्त यहाँ पर का व्यू। देखो आप, चारों तरफ हरा भरा और काले बादल किए हुए हैं, रात भर से पानी गिर रही है, और यहाँ एक भैया है जो कि डंडे की सहायता से मार मार कर खेतों में मछली पकड़ रहे हैं। और काफ़ी मसंगस करने के बाद लटपट में एक मछली उनको मिली, और देखो कितना मेहनत करना पड़ रहा है एक मछली पकड़ने के लिए। तो जैसे तैसे करके उन्होंने एक मछली पकड़ लिया, और शायद तक कि वो हाथ से छूट भी गई है, और भी कोई मछली खोज रहे हैं। अगर मछली मिलती है तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, तो बने रहें वीडियो पे। तो देखिए गाइस, भाई को मिल चुका है एक मछली, और वो लेकर आ रहा है मुझे दिखाने के लिए, और काफ़ी फ्रेश और ज़बरदस्त मछली ये बता रहा है। इसका नाम है ये बताया मेरे को घास काट, इसका नाम घास काट है, और काफ़ी टेस्टी रहता है मछली, लेकिन काटा बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। तो भाई ने बहुत मेहनत के बाद एक मछली पकड़ा है, तो हमें मिल गया मछली का, और मैं व्यू का एंजॉय करते करते पहुंच चुका हूँ पुलाली कला। तो आपको यहाँ का भी व्यू म्यूजिक के सहायता से आपको दिखाता हूँ, तो चलिए बने रहिए वीडियो पे।
तो गाइस पुराली कला से निकलते साथ ही मैं पहुंच गया शंकरनार। यहाँ का व्यू देखो आप, काफी जबरदस्त हो रहा है। इसका भी व्यू म्यूजिक से आप इंजॉय करें। तो गाइस हम पहुंच चुके भादा, और भादा के सामने ही एक पुलिया पड़ता है। पुलिया में काफी जबरदस्त नदी बना हुआ है और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तरफ नदी बहती रहती है निरंतर। तो ये काफी जबरदस्त एक्सपीरियंस था यहाँ का। और आप लोगों को भी अभी तक अगर वीडियो में बने हुए तो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। ये सैला से लेके लोहड़िया के रोड में ये तीनों नदियां पड़ती है। आप यहाँ पिकनिक बना सकते हैं, काफी कुछ इंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये ब्लॉग काफी अच्छा लगा होगा। और मैं आ चुका था साइड, काफी समय से साइड में था और आज का डे हो चुका है समाप्त। और मैं मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।